जाति, ए जाति, ए जी, ए जी, इसके लिए चिकन तो गाइस अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस आज हम उठ गए थे अपनी शेयरी के लिए। तो गाइस हमारी शेयरी भी एकदम रेडी होकर आ गई थी। तो गाइस देख सकते हैं कंपटीशन कितना अच्छा था, परांठे की सच्चाई, ओए हो, एकदम स्वाद, एकदम टेस्टी, एकदम मज़ेदार गाइस, बहुत ही अच्छे से अच्छा था। हेलो गाइस, तो गाइस हमने शेयरी वगैरह भी कर ली, नमाज वगैरह भी पढ़ ली थी गाइस। तो गाइस बहुत ज़्यादा थकन हो गई थी, अब जा रहे हैं हम सोने। तो मिलते हैं इंशाल्लाह आपको जोर में, बहुत ज़्यादा थकन लग रही है। तो गाइस थोड़ा सो जाते हैं, उसके बाद जोर में मिलते हैं आपको इंशाल्लाह। A few moments later, गाइस जोर में उठने के बाद गाइस मुझे अपने बटेरों को भी देखना था और इनकी थोड़ी बहुत सेटिंग वगैरह भी करनी थी। गाइस सेटिंग वगैरह करने के बाद इनको थोड़ा बहुत दाना वगैरह भी डालना था। काफी देर से ये भूखे हो गए थे गाइस। इनकी सेटिंग वगैरह करते करते टाइम इतना ज्यादा हो गया, पता ही नहीं चला। बटेरों की सेटिंग वगैरह करते करते टाइम पता नहीं चला, तो फिर निकल गए हम अपनी शॉप के लिए। हेलो गाइस, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। आप सब ठीक होंगे? तो गाइस आज घर वगैरह के कोई काम तो थे नहीं, क्योंकि आज इतवार था तो बाबा की छुट्टी थी। तो बाबा सामान वगैरह लेकर आते हैं पूरा घर का, राशन वगैरह। तो इसी वजह से हम जा रहे हैं अपनी शॉप पर। शॉप पर जाकर नई दुकान की चाबी भी लेनी है भाई से, उसके बाद वो शॉप इंशाल्लाह वो ओपन भी करनी है। रात तक इंशाल्लाह वो ओपन हो जाएगी साफ़ सफाई करने के बाद गाइस। तो चलते हैं वहाँ पर शॉप पर। तो हेलो गाइस, तो गाइस हम आ गए अपनी शॉप पर। तो शॉप पर आने के बाद गाइस हमने निकाले अपने दुकान के काम। तो दुकान की चाबी वगैरह भी हमने ले ली है, तो रात में इंशाल्लाह वो दुकान खुलेगी तो उसकी साफ़ सफाई करनी है, फिर उसके बाद उसकी ओपनिंग भी करनी है गाइस। तो वो फिलहाल भाई बैठेंगे शॉप पर, और ये शॉप हो गई माशाल्लाह से मेरी। तो अब इस दुकान पर मैं काम करूँगा और इस दुकान पर फिलहाल भी काम करेंगे, और जो मेरी अपनी पर्सनल दुकान थी माशाल्लाह से वो कर देंगे हम बंद। तो फिर उसके बाद देखते हैं इंशाल्लाह। इधर भी काम बहुत अल्लाह के फजल काम से बहुत अच्छा चलता है। तो इस वजह से गाइस शॉप से काम निकालने के बाद मैं आ गया अपने घर के लिए। तो गाइस घर वालों के थोड़े बहुत काम वगैरह निकल गए थे, तो सुफियान के साथ थोड़ा बहुत इंजॉयमेंट भी कर रहा था बाहर। देख सकते हैं सुफियान बहुत ज़्यादा खेल रहा कूद रहा था, तो घर वालों के काम करने के लिए निकल गया। हेलो गाइस, तो गाइस आज हम अफ्तारी एकदम आ गई थी। अफ्तारी के बाद गाइस मैं जा रहा था एकदम रिलैक्स होकर नमाज पढ़ने के लिए। नमाज पढ़ते पढ़ते गाइस मुझे घर वालों के थोड़े बहुत सामान वगैरह भी लेकर आने थे गाइस। तो गाइस मैं आ गया था अपने घर पे नमाज वगैरह भी पढ़ने के बाद। गाइस मैंने सामान वगैरह भी लेकर आ गया था। तो गाइस मैं पी रहा था चाय। तो गाइस हमारी चाय वगैरह भी आ गई थी। हम चाय वगैरह पीने के बाद गाइस अब निकल रहे हैं हम अपने जैसे कि शॉप के लिए। शॉप है माशाल्लाह से, मैं अपने छोटे छोटे शॉर्ट्स बनाते जा रहा था गाइस। देख सकते हैं पीछे मेरा माल लगा हुआ है गाइस। को चाहिए हो इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर वगैरह भी मिल जाएगा गाइस। आप देख सकते हैं गाइस शॉप पे बैठे बैठे चाय बिस्किट भी मंगा लिया गाइस। घर पे आने के बाद मैंने बिरयानी खाई गाइस। हेलो गाइस, तो गाइस हाँ जब आ गए थे फिर अपने घर पे। तो गाइस आपने जैसे कि देखा हम सुबह जोर की नमाज़ पढ़ी, फिर अपने घर के काम वगैरह करे, फिर उसके बाद गाइस हम अपनी शॉप पे निकले। शॉप से फिर अपने घर पे भी आना था गाइस अफ्तारी करने के लिए। तो गाइस बहुत ज़्यादा थकन हो गई थी। तो गाइस एक गुड न्यूज़ भी देनी थी कि हमने अपनी शॉप भी कर ली ऊपर की तरफ। तो गाइस उसकी शॉप की साफ़ सफाई पूरी हो गई थी, लेकिन ओपनिंग भी करनी थी। ओपनिंग गाइस एक से दो दिन में ओपनिंग भी इंशाल्लाह हो जाएगी शॉप की। तो गाइस वो भी मैं आपको दिखा दूँ गाइस वीडियो पर। एंड अगर गाइस वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट्स और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। तो गाइस आपको मैं ओपनिंग भी दिखाने वाला हूँ, तो अल्लाह हाफिज तब तक के लिए।